हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वी आर ऑल हियर टू गिव यू अ फ्यू अपडेट्स अबाउट द इमर्जिंग कोविड सिचुएशन। एज यू आर अवेयर, लास्ट ईयर वी यूज टू रेगुलरली इंटरैक्ट विद यू, डिस्कस विद यू एंड गिव यू फीडबैक अबाउट व्हाट वी आर डूइंग एंड ऑल्सो सीक योर सजेशंस। सो इट इज इन द सेम स्पिरिट दैट ऑल ऑफ अस आर हियर टूडे to share with you what is happening, what our strategies are, and what are the steps that are being taken to tackle the COVID issue in Jammu and Kashmir. As you are aware, last year from March onwards, we had a steady increase in the number of cases till we reached a peak in September, and then they gradually declined from, let us say, a maximum of 22,000 active cases, coming down to 600 active cases. But from March this year onwards, we are again seeing an increase and a sharp increase. And the peaks of last year of September 2020 have been breached. We are, however, trying our best to make sure that this is controlled. The government is following a three-pronged strategy based on a full-blown vaccination, test, track, treat, containment strategy, and COVID SOPs. And I now request Financial Commissioner Health, Mr. Atul Dulu, to give you a detailed briefing of the situation as it exists today. And following which, we will be open for any kind of questions that you may have. Thank you. सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ facts रखना चाहता हूँ COVID-19 के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक शब्द में समझाना हो कि कोविड की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में कैसी है, तो मैं कहूंगा ये चैलेंजिंग है या चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारे केसेस जो हैं ये रैपिडली बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा किस तादाद से बढ़ रहे हैं, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ रही है और हमारी डेथ्स जो हैं लगातार हो रही हैं। जहाँ तक एक्टिव केसेस का सवाल है, इस वक्त हमारे पास जम्मू कश्मीर में 13,400 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, जो पिछले साल की पीक थी वो लगभग 22,000 एक्टिव केसेस की थी। रिकवरी रेट हमारा 89.6% है। मॉर्टेलिटी अगर देखेंगे, फैटलिटी, तो पिछले साल जो का अगर जोड़ कर देखें क्यूमुलेटिव बेसिस पर, तो फैटलिटी 1.38% थी, लेकिन अगर अप्रैल के महीने में हम देखें इस साल, तो 77 डेथ्स हो गई हैं अप्रैल में, और फैटलिटी जो है ये 0.4% है। पॉजिटिविटी जहां तक सवाल है, तो हमारी अप्रैल में पॉजिटिविटी 2.5% है, जो पिछले साल की क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी से ज़्यादा है, और कल के दिन की अगर पॉजिटिविटी देखें तो ये 5.2% है, और रेट ऑफ ग्रोथ जो केसेस का है ये 12.8% है, जो चिंताजनक है। तो हमारा जो ग्राफ है ये स्टीपली राइज कर रहा है, इसलिए हमको इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो स्ट्रेटजीज हम अभी फॉलो कर रहे हैं, 5 पिलर्ड स्ट्रेटजीज हैं COVID-19 को डील करने के लिए। सारा कुछ स्टार्ट होता है टेस्ट से। जितने ज़्यादा हम टेस्ट करें, उतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस को हम आइसोलेट कर सकते हैं और इन्फेक्शन को फैलने से बचा सकते हैं। तो ये पहली स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी है कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलेंस, ये इसमें आते हैं, तो इसके बारे में मैं समझाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। तीसरी स्ट्रेटजी है आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट। जो पॉजिटिव केसेस आ गए, इनको आइसोलेट करना, इनको ट्रीट करना, उसके लिए हमारे हॉस्पिटल्स की क्या प्रिपेयरनेस है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। चौथी स्ट्रेटजी, जो सबसे जरूरी स्ट्रेटजी है, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। किस तरीके से हम एक हमारा पब्लिक का रिस्पांस इस कोविड को कैसा है, कि कैसे हम मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको फॉलो कर रहे हैं। और पांचवी स्ट्रेटजी है वैक्सीनेशन। वैक्सीन इस बार ही हमारे पास है, तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले टेस्ट, हम लगभग 40,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं।
जिसमें से 10,000 टेस्ट आरटीपीसीआर के और 30,000 टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट के। जो टेस्टिंग एवरेज हमारा है 2,500 टेस्ट पर मिलियन पर डे, WHO रिकमेंड करता है कि 140 होना चाहिए, हमारा 2,500 के करीब है। 68,33,000 टेस्ट अभी तक J&K में परफॉर्म किए जा चुके हैं और अब RT-PCR टेस्ट करने की फैसिलिटी सभी मेडिकल कॉलेजेस में है। हमारे जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं अनंतनाग, बारामूला, रजौरी, कठुआ और डोडा, वहाँ भी RT-PCR के टेस्ट हो रहे हैं और पुराने मेडिकल कॉलेजेस में तो हो ही रहे हैं, स्किम्स में हो रहे हैं, कमांड हॉस्पिटल में हो रहे हैं और यहाँ पर एक लैब है जिसको पहले RRL कहते थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, वहाँ पर भी RT-PCR टेस्ट होते हैं। हमने पिछले साल 3 कोबास मशीन्स का ऑर्डर दिया था, तो बड़ी मुश्किल से मशीन मिलती है, फुली ऑटोमेटिक RT-PCR टेस्ट करती है, कोबास 6800। एक मशीन हमारे पास आ गई है जो स्किम सोबरा में इंस्टॉल हो गई है, उसका वो फाइनल उसको तैयार करने का वो सिलसिला चल रहा है। एक और मशीन GMC जम्मू के लिए चल पड़ी है, वो यहाँ कुछ दिनों में लग जाएगी और एक GMC श्रीनगर के लिए भी आने वाली है मशीन। टेस्टिंग में हमने जो स्ट्रेटजी फॉलो की है कि जितने भी इनकमिंग पैसेंजर्स यहाँ आते हैं, ट्रेवलर्स आते हैं बाय एयर, बाय रोड या बाय ट्रेन, उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी जो हमारी है वो है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मैं आपको आंकड़ा देता हूँ कि अप्रैल के महीने में हमने 1,64,000 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया और कंटेनमेंट जोन्स हमने कायम की हैं कोई 120 और इन कंटेनमेंट जोन्स में हमने 32,000 लोगों को टेस्ट किया अप्रैल के महीने में, जिसमें से 1,680 लोग पॉजिटिव मिले हमको कंटेनमेंट जोन्स में से। और हमने कंटेनमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शंस भी कई तरह की इम्पोज की है, उसके बारे में सेक्रेटरी DMRR आपको बताएंगे। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद किया गया है, उसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर गैदरिंग का साइज हमने डिटरमिन किया है कि आउटडोर में 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इनडोर्स में 50 की सीलिंग रखी है, फ्यूनरल्स में 20 की रखी है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि मूवमेंट को रिस्ट्रेन किया जाए। शॉप्स के बारे में भी फैसले हुए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भी फैसले हुए हैं। तीसरी स्ट्रेटजी जो हमारी है आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट। हमारे इस वक्त 12,600 केस जो हैं वो होम आइसोलेशन में, उनका घर में ही इलाज चल रहा है और अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो हमारी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी उनको हम अस्पताल शिफ्ट करें जब उनकी वैसी हालत हो जाती है। हॉस्पिटल में हमारे पास 807 पेशेंट थे कल की तारीख में, कल के आंकड़े बता रहा हूँ, जिसमें से 48 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं और 534 पेशेंट जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कुल वेंटिलेटर्स की तादाद जो यूनियन टेरिटरी में है, जो कोविड के लिए हमने मखसूस किए हैं, ऐसे तो वेंटिलेटर ज़्यादा है हमारे पास, वो 600 के करीब हमने कोविड के लिए इस टाइम ईयरमार्क करके रखे हैं। बेड्स की बात अगर हम करें Category 1 और Category 2 के, जो टोटल बेड्स हमारे हैं हॉस्पिटल्स में, इसमें ज़िला हॉस्पिटल भी आते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आते हैं, जो ईयरमार्क किए हैं हमने कोविड के लिए, वो 6,000 के करीब है, रफली 6,000 के करीब। और 807 पेशेंट हमारे जो इन हॉस्पिटल्स में हैं, ये ऑक्यूपेंसी बनती है 13% की। इसके अलावा हमारे कोविड केयर सेंटर्स जो हमने लास्ट ईयर सेटअप किए थे, कोई उनमें 15,000 की कैपेसिटी है, लेकिन उनकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि आजकल लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं, जो कि पॉजिटिव केसेस हमारे पास सामने आते हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात अगर हम करें तो हमारे पास 2,500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं और ऑक्यूपेंसी 534 है, 20% के करीब। ऑक्सीजन इन्वेंट्री की बात अगर हम करें, हमारे पास बल्क सिलेंडर्स जो होते हैं वो 10,000 के करीब हैं और मीडियम टाइप सिलेंडर्स जो बी टाइप सिलेंडर्स होते हैं ये 3,500 के करीब हैं। हमने एक प्रपोजल यहाँ पर अप्रूव किया था ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सभी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में और कुछ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। ये कश्मीर में 19, जम्मू में 17, कुल मिलाकर 36 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने थे ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते
ऑक्सीजन की जनरेशन में और पेशेंट्स को बिना किसी इंटरप्शन के ऑक्सीजन मिलती। इन 36 अस्पतालों में से 23 अस्पतालों के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अगले एक हफ्ते में लगने जा रहे हैं। वो आगे हैं, कई तो लग चुके हैं, उनका इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो इनके 23 के लगने से लगभग हमारे 2000 एडिशनल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स जो हैं हमको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। जहां तक लॉजिस्टिक्स का सवाल है, वो पीपी किट्स हुए, N95 मास्क हुए, VTMs हुए, रैपिड एंटीजन टेस्ट के किट्स हुए, RT-PCR के किट्स हुए, RNA एक्सट्रैक्शन किट्स हुए, इन सब की तादाद हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटीज में अवेलेबल है। चौथी स्ट्रेटजी की मैं बात करूंगा और यहां पर मुझे आप सबका कोऑपरेशन चाहिए, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमको मीडिया का बहुत साथ मिला है, लोगों में ये मैसेज फैलाने के लिए ये अपील बार बार गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क पहने। मास्क खुद में एक वैक्सीन है, इसकी एफिकेसी हो सकता है जो मॉडर्न वैक्सीन है उसके मुकाबले में थोड़ी कम हो, लेकिन ये भी एक वैक्सीन है, वैक्सीन की तरह, इसको सोशल वैक्सीन कहते हैं। तो ये मास्क का पहनना बहुत ही जरूरी है और हैंड वॉशिंग या हैंड को सैनिटाइज करना बार बार, ये बहुत ही जरूरी है। इस मामले में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में हमें मीडिया के साथियों की बहुत ज्यादा जरूरत है और हम आपके आपके साथ की उम्मीद रखते हैं। पांचवी स्ट्रेटजी जो हमारी है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के हमने अभी तक कुल मिलाकर कोई 17,50,000 डोज के करीब एडमिनिस्टर किए हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स का जहां तक सवाल है, 74% उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन 77.5% हो चुका है और 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उनका 36.76% वैक्सीनेशन हो चुका है। फर्स्ट डोज अभी उनका फर्स्ट डोज हुआ, सेकंड डोज अभी शुरू हो रहा है उनका। और रेस्पॉन्स जो पब्लिक का आजकल देखने को मिलता है वैक्सीनेशन की ओर, वो काफ़ी अच्छा है। हमने कल भी कोई 60,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया था और वैक्सीनेशन अब सातों दिन बिना किसी छुट्टी के वैक्सीनेशन चल रहा है। कुछ मिसकंसेप्शन शुरुआत में थे वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में, वैक्सीन के सेफ्टी के बारे में, वो अब मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज वो रिमूव हो चुके हैं, तो वो मिसकंसेप्शन अब नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है कि 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर के जितने भी एडल्ट्स हैं, जिनको एडल्ट्स कहेंगे इंडिया में, उनका वैक्सीनेशन होगा। उसकी तैयारियां भी चल रही हैं और मैं ये अपील करूंगा सभी लोग आपके माध्यम से, सभी लोगों को जो एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, कि अपनी बारी आने पर अपने आप को ज़रूर वैक्सीनेट कराएं। तो इसके बाद अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। अभी हमारे पास लगभग 2 लाख डोज अवेलेबल हैं और हमको हर 2-3 दिन के बाद और वैक्सीन आती रहती है, तो वैक्सीन की शॉर्टेज हमको नहीं रही। ये कभी कभी हो जाता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो वहाँ वैक्सीन खत्म हो गया तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से डाइवर्ट करना पड़ा, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज कभी नहीं रही। गल्लू साहब, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपकी शॉर्टेज है, यहाँ से सुहेल खान, शॉर्टेज है आपकी, पर जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं वो टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं राइट टाइम पे, जैसे उनको टाइम दिया गया है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। हमें पता चला है कि आपकी बहुत स्टाफ की कमी है, आपने उन्हीं को कंटिन्यू रखा है, क्या आप स्टाफ में कोई बजोटी कर रहे हो इसमें? स्टाफ में ये बात तो फैक्ट है कि पिछले 1 साल और 2 महीने से लगभग हमारा स्टाफ जो है 7 दिन काम कर रहा है। पिछले साल तो टेस्टिंग पर ज़्यादा जोर था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर था, सर्वेलेंस पर जोर था, और इस साल अब वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो चुका है, तो स्टाफ पर काफ़ी प्रेशर है, ये बात मैं मानता हूँ। इस वजह से हमने नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए कई सारी स्टाफ की पोजीशंस डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, मेडिकल कॉलेजेस में सेंक्शन की हैं, जिनकी भर्तियाँ चल रही हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इससे, और हमने मेडिकल कॉलेजेस में कई सारे और भी पोजीशन लास्ट ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर फिलअप की थी और करने जा रहे हैं, ताकि उनकी स्टाफ की जो शॉर्टेज है वो पूरी की जा सके। सर, पंकज शर्मा, न्यूज 24। एक मिनट, मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहता हूं आपके सवाल के जवाब में, कि अभी भी 40,000
से भी ज्यादा टेस्ट जो हैं वो डेली की डेली किए जा रहे हैं, 40,000 टेस्ट, जो भी इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग एल्स टेस्टिंग इज गोइंग ऑन। एंड प्रोबेबली जैसे लास्ट ईयर हमने आपको बताया था कि हमारी टेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस इज प्रोबेबली द हाईएस्ट इन द कंट्री, अभी भी 40,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। हर एक इंसान जो बाहर से आते हैं, चाहे वो लखनपुर के जरिए आए, रेल के जरिए आए, एयरपोर्ट के जरिए आए, उनके साथ उनके लिए टेस्टिंग की जा रही है इन ऑर्डर टू एंश्योर कि हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केसेस ना आ जाएं। सांबा में एक एडिशनल चेक पॉइंट लगाया गया है, तो टेस्टिंग में किसी भी प्रकार की कमी या कोताही नहीं बरती। एक और चीज मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा कि टेस्टिंग का जहां तक सवाल है, टेस्ट की रिपोर्ट्स जो है वो तकरीबन एक दिन में सभी रिपोर्ट्स मिल जाती है। सर अब फर्स्ट मई से जो है वो 18 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी, किस कदर तैयारी की जाएगी, क्योंकि भारी संख्या में अस्पतालों में जो लोग उमड़ेंगे वैक्सीनेशन के लिए, उसको लेकर कैसी तैयारी है? और दूसरा रोहित कंसल साहब से सवाल है, सर लोगों में ये रूमर फैल रही है कि अब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लॉकडाउन हो रहा है, बाहरी राज्यों से जो माइग्रेंट लेबर आए थे वो बकायदा दोबारा पलायन कर रहे हैं, स्टेशन की बात की जाए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो बाहरी राज्यों के लोग रह रहे हैं? जहां तक वैक्सीनेशन सेंटर्स का सवाल है, हमारे आज की तारीख में 1408 वैक्सीनेशन सेंटर्स फंक्शनल है, आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, और हमारा प्लान है इसको बढ़ाने का 3,000, ताकि वैक्सीनेशन जो है लोगों को अपने घरों के नज़दीक मिलने की फैसिलिटी प्राप्त हो, तो उस पर जोर शोर से काम चल रहा है। जैसे जैसे हमको वैक्सीन अवेलेबल होगी, जैसे जैसे हम वैक्सीनेशन सेंटर्स को चालू करेंगे, वैसे वैसे वैक्सीनेशन की स्पीड और बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि अगर हम 60,000, एक दिन तो हमने 80,000 भी लोगों को वैक्सीनेट किया था, 60,000-70,000 लोगों को वैक्सीनेट करते हैं तो हमारी कैपेसिटीज 1,00,000-1.5 लाख या 2 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की भी है, कैपेसिटीज की कमी नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हमको वैक्सीन अवेलेबल हो, टाइम पर अवेलेबल हो, ताकि हम लोगों को वैक्सीनेट जल्द से जल्द कर सकें। देखिए, हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने ऑलरेडी आपको तफसीलान जवाब दे दिया है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा पिछले साल हमारे तरकश में जितने तीर थे इस बीमारी से लड़ने के लिए, उन तीरों में इस साल हमारे पास एक वैक्सीन के रूप में नया तीर ऐड हो गया है, जुड़ गया है, और उसमें हमने अच्छी खासी सफलता भी पा ली है। जैसे सर ने अभी आपको बताया, फ्रंटलाइन वर्कर्स 75% से ज्यादा हो गए हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स 75% से ज्यादा हो गए हैं, 45 की एज के ज्यादा से ऊपर के लोग हैं 36% औसतन हो गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया, 60% हो गए हैं, गांधरबल में 52% हो गए हैं, बारामूला में 52% हो गए हैं, और हमारा टारगेट है कि अगले एक महीने में इस सारी कैटेगरी को 100% हम वैक्सीनेट कर दें आप लोगों के जरिए। मेरी पब्लिक से ये अपील है कि, और हम सब ने बार बार ये बात कही है कि जो भी एलिजिबल हैं वो जल्द अजल्द अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, बिकॉज इसमें वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मिला के हम दोनों को इस बीमारी से निजात दिलवा सकते हैं। सर रजत बोरा द न्यूज नाउ। सर एक सवाल है कि कई सारी आज न्यूज़पेपर में भी कई सारे जगह पर ये खबर छपे कि आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कई सारे जो सिम्टम्स हैं या फिर जो कोविड के पॉजिटिव केसेस को, क्या उसकी कोई चांसेस है कि नए वेरिएंट्स है उसकी वजह से ये हो रहा है? और दूसरा सवाल सर, सर्जरीज कई सारे हॉस्पिटल्स में बंद कर दी गई है, क्या उसे ज्यादा तेज किया जाए या कई सारे जो पेशेंट्स हैं उनको कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? दो चीजें, एक तो जहां तक आपने इसकी बात की टेस्ट कैच आरटीपीसीआर इसको कैच कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये एक चैलेंज है, इसके बारे में अभी हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हमारे पास, मैं ये बताना चाहूंगा, जो वेरिएंट्स की जब बात की आपने, कुल मिलाकर जो हमको कंफर्म्ड केसेस आगे यूके वेरिएंट्स के या बाहर के वेरिएंट्स के, वो कुछ हमारे पास 28 केस आए हैं जम्मू में, और कश्मीर में कोई भी नहीं आया अभी तक। तो वेरिएंट्स अभी तक उतनी एक सीरियस चैलेंज के रूप में हम उसको नहीं देख सकते हैं। अभी तक हमारे आरटीपीसीआर टेस्ट जो हैं सभी लोगों को जो भी पॉजिटिव हैं उनको कैच कर पा रहे हैं। और दूसरा सवाल आपका क्या था? सर्जरीज से लेकर, सर्जरीज के बारे में मैं बात बताऊंगा, हमें अवॉइड करना चाहते हैं कि पेशेंट्स का मिक्सिंग अप हो जाए हमारे हॉस्पिटल्स में, कि कोविड भी है नॉन कोविड भी है, एक सुपर स्प्रेडर्स बन जाते हैं ये, जो भी कोविड पेशेंट अगर आ जाए
तो वहां पर ओपीडी में, तो आप देखिए जितने भी वहां आसपास के लोग हों उन सबको को इन्फेक्ट कर देगा। तो इसलिए और डॉक्टर्स में भी प्रेशर काफी बढ़ जाता है जबकि कोविड के पेशेंट्स इन्फेक्शस डिजीज के पेशेंट्स आते हैं, तो हमको मजबूरन जो रूटीन सर्जरीज हैं, जो कोल्ड सर्जरीज हैं जिनको पोस्टपोन किया जा सकता है, उनको पोस्टपोन करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरजेंसी सर्जरीज हों, कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट्स हों या कोई ट्रॉमा के केसेस हों, इनको हम रिफ्यूज करेंगे, वैसा कुछ नहीं है, उनको हम कभी कभी रिफ्यूज नहीं करेंगे। मिस्टर दुलंग साहब, मेरा सवाल आपसे है, पड़ोसी राज्य चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, वहां पर लॉकडाउन पूरी तरह से या वीकेंड लॉकडाउन की स्थिति आ गई और वहां लगा दिया गया है, क्या जम्मू कश्मीर में आप कोई ऐसी स्थिति देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन इस तरह के कोई कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ? देखिए, जैसे हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने आपसे कहा कि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और इसमें सिचुएशन को देखते हुए जो जो वाजिब रेस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत है वो हमारे सेक्रेटरी डीएमआरआर आपको बता देंगे। जैसे आपको बताया गया, पहले भी आपको बताया गया, हमने हर वाजिब वो प्रयत्न किए हैं कि इकोनॉमी भी चलती रहे और बीमारी से भी निजात पाया जा सके, और इसी के लिए सिचुएशन को देख के जहां कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग आपसे अपील करते हैं कि दवाई के साथ साथ, वैक्सीनेशन के साथ साथ, मास्क के साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत जरूरी है, और इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स में दो गज की दूरी, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना, अनावश्यक बाहर ना जाना, अगर हम ये सब करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम इकोनॉमी भी अच्छे तरीके से चला पाएंगे और बीमारी पे भी काबू पा पाएंगे। मिस्टर डुल्लो, सुनील भट्ट दिस साइड फ्रॉम आज तक इंडिया टुडे। सर, यू सेड दैट कोविड पॉजिटिव केसेस आर सीइंग अ मेजर जंप एवरी डे एंड द सिचुएशन इज वेरी चैलेंजिंग हियर इन जम्मू एंड कश्मीर। सर, राइट नाउ एज यू सेड दैट देयर इज बेड अवेलेबिलिटी हियर इन जम्मू एंड कश्मीर, बट सिंस नंबर्स आर राइजिंग एवरी डे, सो आर वी गोइंग टू फेस शॉर्टेज ऑफ बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हियर इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग टू इंक्रीज द बेड हियर इन जम्मू एंड कश्मीर? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, सर, फ्रॉम मे 1st third phase of the vaccination drive is going to begin. Sir, the onus has been put on the respective state governments and the union territories. Will the vaccine will be available free of cost or it will be charged? In sawalon ka main jawab aise dunga ki maine aapko pehle hi bataya ki oxygen supported beds ki jo occupancy hai is time 20% hai. Hamare paas oxygen supported beds mein abhi gunjaish hai. Aur agar humko zarurat pade कि हमको और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की जरूरत पड़े तो हम कोविड नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट और करेंगे और कोविड बेड्स को की संख्या बढ़ाएंगे, और उसके लिए हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लग रहे हैं, और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की लगने की वजह से हमारे पास लगभग 2000 एडिशनल ऑक्सीजन जनरेटेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स अवेलेबल होंगे। तो ऑक्सीजन की अभी कोई, हालांकि पूरे बाकी राज्यों में आप देखेंगे कि स्थिति जो है बड़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अभी हमारे पास अभी कोई गंभीर समस्या नहीं है, ऑक्सीजन हमको मिल रही है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स को बढ़ा देंगे। सर रूहानी फ्रॉम द न्यूज नाउ, माय क्वेश्चन इज टू यू अटल सर, वैक्सीन की बात दूसरी जो आपने की, वैक्सीन का जो ये अभी आज ही मैं देख रहा था एक न्यूज आइटम कि इन दोनों इंस्टीट्यूट्स को, जो सेरम है और भारत बायोटेक है, इनको कहा गया है कि अपनी रेट्स जिस पर स्टेट गवर्नमेंट्स को बेचेंगे वो तय करें, तो सेरम इंस्टीट्यूट ने अपनी रेट्स तय कर ली है। अभी भारत बायोटेक का रिस्पॉन्स नहीं आया है, जब ये रेट फिक्स करेंगे तो उसके बाद इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देख कर गवर्नमेंट ये फैसला लेगी कि किस हद तक के लोगों को फ्री दिया जाए। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आप में से कुछ लोगों ने पड़ोसी राज्यों वगैरह की और देश के अन्य राज्यों की बात की है, सिर्फ पर्सपेक्टिव में रखना चाहूंगा। लास्ट ईयर जब कोविड का पहला वेव आया, और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द कंट्री देखें, तो जम्मू एंड कश्मीर जो था, वेदर इट वॉज केसेस, वेदर इट वॉज डेथ्स, वेदर इट वॉज इन्फेक्शन, 19वें नंबर पे था। और अगर हम आज की स्थिति भी देखें तो आंकड़े बेयर आउट करेंगे कि देश के अन्य रीजन्स के मुकाबले में हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं,
और हमारी जो स्ट्रेटजी है पर्टिकुलरली ऑल इनकमिंग ट्रैवलर्स को टेस्ट करने वाली, आइसोलेट करने वाली, कंटेन करने वाली स्ट्रेटजी, और जो बाकी हमारे मिटिगेशन मेजर्स है उनसे हमें काफी सफलता मिली है, और हमें आशा है कि अगर सब लोगों का, पब्लिक का सपोर्ट रहा हमें, तो इस बार भी हमारे मिटिगेशन मेजर्स जो है अच्छी हमें सफलता देंगे इसको कंटेन करने। अटल सर, माय क्वेश्चन इज टू यू, वी हर्ड अबाउट अ पर्टिकुलर इंजेक्शन दैट इज रेमडेसिविर इंजेक्शन, डू वी हैव द कंप्लीट स्टॉक ऑफ दैट इंजेक्शन एंड हाउ इट हेल्प टू क्योर द वायरस राइट नाउ इन कोविड पेशेंट्स? रेमडेसिविर के बारे में आपने सुना होगा कि कई स्टेट्स में इसकी शॉर्टेज सामने आई है, अभी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है, हमारे स्टोर्स में अवेलेबल है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वो एक पॉलिसी पर काम कर रहा है कि पूरी देश में किस राज्य को कितना रेमडेसिविर मिला जाए उस पर वो एलोकेट करेंगे, तो उसके एलोकेशन के बाद फिर जो हमारा शेयर होगा वो हमको मिलता जाएगा। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।